नमस्कार। किस्सा कुर्सी का हो या फिर पूछता है उत्तराखंड या फिर मेरा गांव मेरा देश, लगातार तमाम कार्यक्रम हम आपके बीच में पहुंचा रहे हैं और अब हम लेकर आए हैं विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे ग्राउंड जीरो से हम और पूछेंगे जनता के सवाल और जनता के जवाब। बात होगी आज विधानसभा और राजपुर की और तैयार करेंगे रिपोर्ट कार्ड खजान दास का। वैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और यहीं से ही राजपुर विधानसभा सीट का भी एक दिलचस्प इतिहास है। विधायक ने काम किया या फिर विधायक फेल या फिर पास, आखिरकार किस तरह है खजान दास का रिपोर्ट कार्ड? तो चलिए मेरे साथ आप तैयार करेंगे विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। बात होगी राजपुर विधानसभा सीट की। राजपुर विधानसभा सीट जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, राजपुर विधानसभा सीट का अगर हम जिक्र करें तो खजान दास यहां से विधायक है। इस सीट का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। विधायक इन्हीं सत्ताधारी दलों के बने, लेकिन बात अगर खजान दास की करें तो बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री खजान दास के बारे में जनता की राय क्या है, उसका जिक्र तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज पहले जिक्र राजपुर विधानसभा सीट के इतिहास का हो जाए, भूगोल का हो जाए, और फिर उसके बाद करेंगे राजपुर विधानसभा सीट के मुद्दों की बात। चुनाव जीतने से पहले जनता की रहनुमाई तो सभी सियासी नुमाइंदे करते हैं, लेकिन जैसे ही जीत का ताज प्रतिनिधि के सर पर सजता है तो जनता के साथ किए हुए सभी दावे और वादे दरकिनार कर दिए जाते हैं। ये सच इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने राजपुर का हाल जाना तो इस विधानसभा से अपनी नुमाइंदगी करने वाले विधायक जी यानी कि खजान दास अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल पाए गए। कैसे फेल पाए गए और क्यों फेल पाए गए ये भी आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले जरा राजपुर विधानसभा सीट का इतिहास समझिए। उत्तराखंड के देहरादून में राजपुर रोड विधानसभा सीट देहरादून जिले में पड़ती है जो टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आती है। राजपुर विधानसभा का अस्तित्व 2008 में परिसीमन के बाद राजपुर रोड को विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार खजान दास विधायक चुने गए। क्या रहे 2012 के विधानसभा के आंकड़े, आइए जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जब 2012 की बात आती है तो नाम राजकुमार विधायक का सामने आता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार विधायक चुने गए। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह कटारिया को चुनावी रण में मात दी। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे राजकुमार 28,291 वोट मिले, जबकि बीजेपी के रविंद्र सिंह कटारिया को 25,000 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के तनवीर सिंह रहे थे जिन्हें 5,011 वोट मिले थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 46.98% था, यानी कि लगभग 47%। बीजेपी का वोट शेयर करीब 42%, जबकि बीएसपी का वोट शेयर 8-9% के बीच था। 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का भी जिक्र कर लेते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार खजान दास विधायक चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक राजकुमार को चुनावी रण में मात दी थी। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार खजान दास को 36,601 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे राजकुमार को 27,969 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे थे बीएसपी के जगराम सिंह जिन्हें 1,959 वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 53.23% रहा था।
कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर करीब 41% और बीएसपी का वोट शेयर करीब 3% के आसपास था। अब इस सीट के सियासी समीकरण को भी समझ लेते हैं। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हीरा सिंह को चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचाया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तब हीरा सिंह कैबिनेट मंत्री बने। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गणेश जोशी ने कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को चुनावी रण में मात दी। 2012 के विधानसभा चुनाव में राजपुर सीट आरक्षित हो गई और वहां से कांग्रेस ने राजकुमार को टिकट देकर मैदान में उतारा। राजकुमार ने बीजेपी के रविंद्र कटारिया को चुनावी रण में मात दी। फिर 2007 का लम्हा आया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदला, पूर्व मंत्री खजान दास को टिकट दिया, चुनावी रण में उतारा, खजान दास विधायक चुने गए और राजकुमार को चुनावी मात मिली। अब तक के 4 बार हुए विधानसभा चुनाव में ये सीट 2 बार जनरल सीट रहते हुए 1 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के पक्ष में रही। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में सीट रिजर्व हो गई और इसमें भी इस सीट से 1 बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीता और 1 बार बीजेपी का। अब तक के 4 चुनाव में 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा और 2 बार कांग्रेस के पास ये सीट रही। खजानदास के रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने से पहले जरा राजपुर विधानसभा सीट के मुद्दों को भी टोह लेते हैं। आखिरकार राजपुर के मुद्दे कौन कौन से हैं? किस आधार पर जनता ने विधायक को अपना नुमाइंदा चुना? सदन के भीतर क्या वो विधानसभा में राजपुर की आवाज बन पाए या फिर राजपुर के मुद्दों को क्या वो सुलझा पाए? ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं राजपुर के जो बने आज भी सवाल? तो तैयार करते हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड, लेकिन बात राजपुर के विधानसभा सीट के मुद्दों की। ये टूटी सड़कें, गंदगी से पटे नाले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि विधायक जी अपने क्षेत्र से ज्यादातर नदारद ही रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये बयां कर रही है इसकी पड़ताल करने जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम खटिक मोहल्ले में पहुंची, तब नजारा कुछ ऐसा मिला। सबसे पहले हमारी बात हुई स्थानीय निवासी चंदा से। जब अपने विधायक जी के बारे में पूछा गया तो आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या जवाब दिया। ऐसा तो फैली हो, फैली है। हाँ। नंबर दस में से कितने नंबर दोगे विधायक को? हाँ, दो तीन ही मिलना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? देखो कितनी गंदगी हो रही है और पानी तो बहुत ही कम आता, मतलब बिना उसके टपकता ही नहीं है। कहीं बोला नहीं आपने उनको? बोला, कितनी बारी बोला, काम नहीं किया। और क्या समस्या? अरे गरीब आते कहाँ, आते ही नहीं। हाँ, कहाँ आते गली में, और देखो कितनी गंदगी है नाली में। सुना आपने, चंदा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक को देखा ही नहीं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब क्षेत्र की जनता ही अपने विधायक को पहचानने से इनकार कर रही है तो जाहिर है विधायक जी अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल माने जा सकते हैं, क्योंकि चंदा जी की तरफ से विधायक को नंबर भी 10 में से 2 या 3 ही मिलते हैं। इसके बाद हमारी टीम खटिक मोहल्ले के निवासी रेखा के पास पहुंची, लेकिन रेखा ने विधायक जी के बारे में क्या कुछ कहा अब ये भी आप खुद ही सुन लीजिए। जब कभी आके नहीं फिरते, हाँ आते ही नहीं है। कहाँ आ मैं इधर। 10 में से कितने नंबर दोगे? बस 10 में से 3-4 ही समझ लो। 3-4 समझ लो। समस्याएं क्या हैं आपके यहाँ? समस्या नहीं, कितनी गंदगी रहती गलियों में, निकला नहीं जाता, पानी की दिक्कत होती है। और कोई बड़ी समस्या? बस यही है, जन समस्या। यानी मतलब रेखा का भी साफ कहना है कि रेखा भी अपने विधायक जी के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि विधायक जी वोट मांगने के नाम पर ही इस क्षेत्र में आते थे, लेकिन जीत के बाद उन्होंने अपने ही इस क्षेत्र में आना मुनासिब नहीं समझा। यहां पर भी विधायक जी अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल ही पाए गए, नंबर मिले 3 में से 4। खटीमा मोहल्ले के लोग किस हाल में जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं इस नजरिए से भी विधायक जी नदारद हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई को परखना हमारी मजबूरी थी। इसके बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम की मुलाकात स्थानीय निवासी
पुष्पा से हुई। पुष्पा का क्या कहना है अब ये भी सुनिए। अपने विधायक से खुश हैं या खुश नहीं है? खुश हैं। पास में गिनते हो? हाँ। दस में से कितने नंबर दोगे? आठ। आठ नंबर क्यों दोगे? अब तक काम अच्छा ही करते आ रहे थे इसलिए। क्या अच्छा काम किया? अब तक सही करते आ रहे हैं, अब के जो भी अच्छा किया है क्या हमारे लिए तो अच्छा ही किया। हालांकि पुष्पा देवी विधायक जी का कुछ फेवर करती हुई नजर आई, लेकिन इस फेवर से कहीं ना कहीं ये भी दिखा था कि विधायक जी के काम को पुष्पा देवी ठीक से परख नहीं पाई। चलिए ये उनकी अपनी राय है, लेकिन इस राय के बीच पुष्पा ने विधायक जी को अपनी परख में पास पाया, नंबर दिए 10 में से 8। हमारी पड़ताल यही नहीं थमी, इसके बाद हमने उसी मोहल्ले के कुछ और भी लोगों से बात की। इस बार हमारी बात हुई स्थानीय निवासी होरी लाल से, जो विधायक जी के नाम लेते ही भड़क गए और विधायक जी को खरी खोटी सुनाने लगे। सुनिए, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अरे काम की तो बात के बाद उनके दर्शन भी देखे हमने तो कटिंग मोहल्ले तक लो हम हिलो लो, कोई पूछता भी ना है ना, मच्छरों की दवा छिड़क ना आया कोई ना कैसो। 10 में से कितने नंबर दोगे विधायक को? अब जीरो। जीरो दोगे, ऐसा क्यों? बस जब कोई दर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, रीज नहीं, बूझ नहीं, कौन गरीब है कौन अमीर है, वोट मांगने टाइम तो कहते हैं, और अब जब कोई आता भी नहीं देखने। ये सच है कि वोट बैंक के नाम पर सियासी नुमाइंदे जनता को खूब ठगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीत के बाद ये वादे ये दावे सब धरे के धरे रह जाते हैं और रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो विधानसभा का भी जिक्र कर लिया, लेकिन बात मुद्दों की भी कर ली। अब बात करेंगे राजपुर विधानसभा सीट के उन दावेदारों की जो ताल ठोक रहे हैं इस विधानसभा सीट पर। वो चेहरे कौन कौन से हैं जो खजानदास के सामने अगर टिक्का पक्का हुआ तो चेहरे साबित हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं कांग्रेस के दावेदार और कौन से हैं बीजेपी के घर में खुद दावेदार, और साथ साथ सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी भी ठोक रही है ताल। तो कौन कौन से दावेदार हैं राजपुर सीट पर, अब वो भी देख लेते हैं और फिर सीधा तैयार करेंगे विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। ये तो रही दावेदारों की बात, लेकिन विधायक विधा या फिर विधानसभा, विधायक विधा या फिर विधानसभा, ये जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वक्त अब खजानदास के रिपोर्ट कार्ड का हो चुका है, खजानदास के बारे में जनता की राय का हो चुका है। जनता क्या सोचती है, जनता ने उन्हें फेल किया या फिर पास, जनता के नजरिए में खजानदास का कैसा है रिपोर्ट कार्ड, और कैसे खजानदास ने जनता के दिलों में बनाई जगह या फिर वो नहीं कर पाए अपनी विधानसभा का विकास। जरा देखिए जनता की सोच, जनता की आवाज क्या कहती है विधायक जी की रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद हमारी बात स्थानीय निवासी कुसुम लता से हुई, लेकिन उनके जवाब भी कुछ अलग ही थे। इनका कहना है कि हमने तो कभी विधायक को देखा ही नहीं। क्या कहा उन्होंने ये भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन बात जब नंबर की आती है तो नंबर 10 में से इन्हें 0 मिलते हैं। नहीं भैया, हमने विधायक को देखा ही नहीं है। फेल में गिनते हैं उनको? वो जीरो पे। अब 10 में से कितने नंबर दोगे? जीरो जीरो। हमने देखा ही नहीं है, तब कुछ काम ही नहीं आते यहाँ पे, क्या करेंगे आके? क्या परेशानी है आप लोगों की? पानी की, सफाई की, हम खुद को अपने आप सफाई करते हैं, पानी कभी आता है कभी नहीं आता। और कोई बड़ी समस्या? और बड़ी समस्या क्या, ये पानी की समस्या, बिजली की, और कितना बिल महंगा आ रहा पानी का भी बिजली का भी, और पानी आता नहीं है। कुसुम लता का साफ तौर पर कहना है कि जब विधायक जिस क्षेत्र में ही नहीं आते तो हम खुद ही सफाई का काम करते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें औरों को इकट्ठा कर खुद ही सफाई करनी पड़ती है। बिजली पानी की समस्या तो यहाँ हमेशा से बनी रहती है। हमारी पड़ताल यही नहीं रुकी, इसके बाद हम कुछ और आगे बढ़े। इसके बाद हमारी बात स्थानीय निवासी संतोष से हुई,
जवाब उनका भी कोई संतोषजनक नहीं था। उन्होंने भी अपने विधायक को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। नंबर मिले 0, क्योंकि इनके क्षेत्र में भी विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर भी विधायक जी आज तक किसी की समस्या सुनने नहीं आए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हम तो फेल में समझते हैं भैया, हम पास में समझते नहीं, जब हमने कभी देखा ही नहीं है आज तक विधायक कौन है। 10 में से कितने नंबर दोगे? 0 नंबर देते हैं हम। ऐसा क्यों? जब हमने कभी देखा ही नहीं है, हमारे कोई काम ही नहीं आया विधायक, ना कोई यहाँ साफ सफाई वाला आता है, ना कोई पानी की किल्लत पूछना आता है, हाँ पानी की दिक्कत है या नहीं। और कोई समस्या? बस समस्या का पानी की समस्या, लाइट की समस्या, इतना महंगा बिल आ रहा है लाइट का भी पानी का भी। इसके बाद हमारी टीम की बात राजवीर सिंह से हुई। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने विधायक से कितनी बार मुलाकात की, तो उनका जवाब साफ था कि उन्होंने भी अपने विधायक को कभी ही नहीं देखा, ना ही विधायक जी कभी उनके क्षेत्र में काम कराने के लिए आए। उनकी तरफ से भी नंबर दिए गए 10 में से 0। भैया फेल में आज तक विधायक की शकल ही नहीं देखी। 10 में से नंबर 0। ऐसा क्यों? जब कोई काम ही नहीं हो रहा, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, कभी कभी लाइट भाग जाती है, पानी की समस्या बहुत बड़ी है, सफाई कर्मचारी नहीं आते इधर। और कोई बड़ी समस्या? तो भैया मेन है हमारी पानी की समस्या। हमारा जो पानी है 400 फुट दूर पर लाइन है, ठीक। हमने कई बार उस पार्षद से भी बोला कि हमारे उसमें गली में लाइन बिछा दो, आज तक किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब पानी आता है, मोटर से आता है, वो भी थोड़ा बहुत 10-15 मिनट पानी चलता है कुल। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। राजपुर विधानसभा के हर गली नुक्कड़ पर चले जाइए, कहीं गंदगी के अंबार मिलेंगे तो कहीं सड़कों के गड्ढे। आम इंसान को मौत का बुलावा देते ये गड्ढे नजर आएंगे, लेकिन विधायक जी की रुसवाई हमेशा इन मजलूमों से नदारद रही। इसके बाद भी हमारी पड़ताल यही नहीं रुकी है। इसके बाद हमने आचार्य कवेंद्र से बात की, हालांकि उनके सुर भी कुछ बदले बदले नजर आए, लेकिन जुबा से विधायक जी के खिलाफ कुछ खास नहीं बोल पाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए जो कुछ कार्य वो थोड़ी बहुत जितना कर रहे हैं उतना ठीक है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए थोड़ी सी ढील कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ती है। प्रतीत तो होता है कि विधायक साहब का अपने क्षेत्र में भ्रमण करना और कतिपय के किसी उससे चर्चाओं में रहना थोड़ी सी विलंब हो रहा है, लेकिन फिर भी कतिपय ठीक है, कार्य कुछ ठीक हैं और कुछ समाज के प्रति जो उनका लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत भी है, क्योंकि समाज में चलना, विधायक निधि अगर किसी राजनीतिक दल से अगर आप चल रहे हैं तो प्रत्येक एक विधानसभा में जाना अनिवार्य होता है, हर जगह हर क्षेत्र में घूमना अनिवार्य है। साथ ही पूर्व में यहाँ से विधायक राजपुर से श्री राजकुमार जी थे, राजकुमार जी का भी अथाह इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास के लिए बहुत कुछ दिया है उन्होंने और बहुत कुछ किया भी है, और आगे भी हम निरंतर यही चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में आए, ऐसा व्यक्ति गद्दी पर बैठे जो समाज के हित के लिए, समाज के अपनी अहम भूमिका निभाए, क्योंकि समाज जो है किसी व्यक्ति को चुनता है तो वो अपने हित के लिए चुनता है। ठीक है, एक चीज़ ये बताइए, अपने विधायक को कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 विधायक साहब को गिनती के अपने हिसाब से 3 अंक दे दूंगा। 3 अंक दे दोगे, ठीक है। और समस्याएँ क्या हैं? समस्याएं तो कई हैं, समस्याएं तो रोड की हैं, पानी की हैं, बिजली कतिपय नहीं रहती है, कई चीजें हैं, समस्या ही समस्या है। इसके बाद भी पड़ताल हमारी जारी रही और हम आगे बढ़े। हमें कुछ लोगों से विधानसभा में हुए काम की सच्चाई पता चली। इसके बाद हमने बात की कैंट विधानसभा निवासी जहांगीर खान से। जहांगीर खान ने विधायक जी के खिलाफ वही बोला जो हम सभी सुनते आ रहे हैं अब तक। उन्होंने भी अपने विधायक को आज तक नहीं देखा, क्या कहना है उनका, सुन लीजिए। खजानदार जी को मैं फेल में ही गिनता हूँ, क्योंकि वो क्षेत्र में कहीं नज़र नहीं आते हैं। इतना पानी आता है, नदियों का पानी यहाँ घुस जाता है बस्तियों पे जो है, लेकिन वो नज़र नहीं आते कहीं पर। 10 में से कितने हैं विधायकों? 10 में से एक ही तो, 9 तो नहीं दे पाऊँगा, है ना। क्या सब काफ़ी हैं, जैसे यहाँ नदियों से किया है हमारा ना संजय, इनमें पानी आया था नदी, तो उसमें उसके लिए पुस्तक निर्माण नहीं, और पानी ज़्यादा आ जाता है यहाँ पर, कुछ जाता है तो कोई आगे देखता नहीं है,
ये हमारे पूर्व विधायक थे राजकुमार जी, वो तो फिर भी आ जाते हैं रात को, लेकिन ये खजानदार जी कहीं नजर नहीं आते। अब ऐसे में सवाल उठना बेहद लाजमी है, जब विधायक जी को कोई पहचानता ही नहीं तो फिर विधायक ने जनता के वोट बैंक में सेंध मारी कैसे की? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधायक खजानदास विधानसभा पर राज तो कर रहे हैं लेकिन जनता की कोई सुध नहीं ले रहे। इस विधानसभा में हमने और भी कई लोगों से बात की लेकिन सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, हमने अपने विधायक जी को अपने क्षेत्र में कभी नहीं देखा। और क्या कुछ कहा क्षेत्र के लोगों ने, सुनिए। ठीक है भाई साहब, जो वर्तमान में हमारे यहाँ जो खजानदास जी विधायक हैं बीजेपी के, करीब करीब ये चुनावी साल ख़त्म होने को आया है और हमने उन्हें बहुत ही कम यहाँ पर क्षेत्रों में देखा है। अब विकास कार्यों की बात करें तो मैंने तो वार्डों के अंदर उनके कामों को कहीं पर देखा नहीं है, कहीं कुछ ऐसा फेल में गिनते पास में अजय 90% तो फेल हूँ। अब ये मैं ही नहीं बोल रहा, क्षेत्र की जनता के और भी लोग हैं, सारे बोलते हैं। जो विधायक होने के बावजूद जो क्षेत्रों में काई के लिए विधायक बनाया है, क्षेत्रों में जनता की सुविधा के लिए, उनके कामों के लिए जो नज़र नहीं आते, तो क्या विकास करेंगे और कैसे रहेंगे? कितने नंबर देंगे विधायक को अपने? देखिए, उनके काम के ऊपर, उनके विकास के ऊपर, उनके ऊपर आपका बिल्कुल जीरो है। अभी तो बिलाल जैसे दिख रहा है भैया, वैसे तो फेल में ही है, हमें तो अभी तक दिखाई नहीं है खजानदास, जब से बस नाम ही नाम सुना है कि खजानदास कोई है। वैसे बिलाल हमने अभी चेहरा अभी तक नहीं देखा खजानदास का। ठीक है, 10 में से कितने नंबर दोगे काम को? 10 में से तो अभी तो फिलहाल एक ही दे देते हैं। एक दे देते हैं, हाँ। समस्याएं क्या हैं क्षेत्र में? समस्या यही है भैया, देखो यहाँ तो एक तो यहाँ पे शौचालय का कोई इंतज़ाम नहीं है, मेन बात यह है। और हमारे जैसे हमारा काम है तो उस वजह से जैसे पानी का नलका होता है वो भी यहाँ पे नहीं है, और बहुत बार बोला भी है, कोई मतलब प्रोसेस नहीं होता इस काम में। परेशानी दिक्कतें? परेशानी यही है, बस हमारे काम का यही है कि भाई यहाँ पे शौचालय होना चाहिए, थोड़ी फैसिलिटी जो होनी चाहिए हमारे लिए, वो चीज़ है ही नहीं। जब नेताजी कोई सामने नहीं आ रहे तो बात किससे करें, कौन आएगा बात करने, किससे बात करें, तो ऐसा कोई है ही नहीं। उनके कामों से आप खुश हैं ना खुश हैं, पास गिनते हो या फेल में गिनते हैं? फेल में। अच्छा, फेल में गिनते हैं। 10 में से कितने अंक देंगे? जीरो। जीरो, ऐसा क्यों? कुछ काम ही नहीं करा उन्होंने। क्या समस्या है क्षेत्र? समस्या बहुत है, पानी की समस्या है, रोडों की समस्या है, नालियाँ देखो बिल्कुल भरी पड़ी है, बरसात में सारा पानी नालियों में से ऊपर आ जाता है रोडों पे। तो आप क्यों नहीं सुनते विधायक जी? कुछ नहीं सुनते। कभी मुलाकात ही नहीं, 5 सालों में दिखते ही नहीं है। सियासत हर समय अपने रंग ढंग बदलती रहती है क्योंकि हर विधानसभा से चुने जाने वाला जन प्रतिनिधि दूसरे के ख्यालातों का जायजा जरूर लेता है लेकिन अपने गिरेबा में कभी झांक कर नहीं देखता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ये क्या हो गया, विधायक जी को तो जनता ने कर दिया फेल। खजानदास मौजूदा वक्त में जनता की राय के हिसाब से हो गए फेल। जनता ने दिए अलग अलग नंबर लेकिन रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से खजानदास पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पा रहे। जनता के नजरिए से उन्होंने विधानसभा के भीतर विधायक के रूप में सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में उनकी आवाज तक नहीं उठाई। जनता के मुद्दों को लेकर वो सीरियस नहीं दिखाई दिए। तो खजानदास हमारी रिपोर्ट कार्ड में, जनता की रिपोर्ट कार्ड में फेल साबित हो चुके हैं। अब सवाल यही कि आखिरकार एक बार फिर से उन्हें मिलेगा टिकट का प्रसाद या फिर कट जाएगा टिकट, और क्या वाकई राजपुर में एक बार फिर से खिलेगा कमल या फिर हाथ होगा मजबूत या फिर आम आदमी पार्टी फेरेगी दोनों के अरमानों पर झाड़ू। तो अगली बार होगी एक नई विधानसभा सीट पर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर तैयार करेंगे एक और विधायक का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।